बताओ कि हम बेस क्या क्रिएट करने हैं। सो मैंने लिक्विड फाउंडेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है? मैं भी सीखूंगी। और बिल्कुल हल्का हल्का सा पूरे फेस पे, बहुत ज्यादा नहीं, पूरे फेस पे आपने टिक टिक करके, as you can see। अब आज तुम ये कलर जब किसी लड़की पे लगाओगे तो सबसे पहले उसने कहना हाय इतना आपने डार्क फाउंडेशन लगा दिया। नहीं नहीं, डार्क नहीं होगा ना, देखें क्या होगा, इसके बाद जब फेस पाउडर आएगा तो एक पिगमेंट क्रिएट हो जाएगी। मैं फेस पाउडर लाइट लगाऊंगा ताकि ये बीच का एक शेड बन जाए। अगर फेस पाउडर भी मैं डार्क लगाऊंगा तो वो काला होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे फेस पाउडर इसके ऊपर लाइट लगाना है ताकि थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। ठीक है, अब हम इसको सॉफ्टली इसको ब्लेंड करेंगे। और आपने मेहंदी और बारात के लुक में ऑब्वियसली डिफरेंट क्रिएट भी करना है, यू नो। आप आजकल आई लाइक द कॉन्सेप्ट, ठीक है, पहले लड़कियां मतलब यू नो बिल्कुल वो एक दुपट्टे के अंदर रहती थी, वो भी बहुत खूबसूरत। मैंने बाय द वे पूछना था आपसे, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज के बारे में, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना। आई नो मेकअप करने का बड़ा मजा आता है, लेकिन एक आई डोंट नो, मुझे लगता था कि बिल्कुल वो जो सिंपल जोड़ा होता था और मतलब कोई मेकअप नहीं लगा होता। पर्सनली मेरे पास जब दुल्हने आती है, बच्ची आती है, आजकल तो बहुत छोटी छोटी लड़कियां दुल्हने बन रही है, उनको मेकअप की जरूरत नहीं होती है। सो मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ तुम लोग अपने मम्मी के पैसे जाया करा रहे हो, लाल लिपस्टिक लगाओ और दुल्हन वैसे ही लगने लगोगे। बिल्कुल सही, ठीक है। आजकल हर चीजें, आजकल सारी चीजें चेंज हो गई है, पैसा खर्च करने कुछ भी आ जाए तो लोगों को क्या है कि अब करवा रहे हैं तो आप आके करवा लें। लेकिन मेरा पर्सनली आई डोंट लाइक मेकअप बहुत ज्यादा, बिल्कुल ये मेरे कॉन्सेप्ट के साथ उतना ज्यादा अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत छोटी सी लाइन है, ट्रांसफॉर्मेशन और मेकअप है। यहाँ पे शक्ल बदलने को मेकअप कह देते हैं कि आपने इतनी मोटी नाक को इतना पतला कर दिया, सुबह जब मुंह धुल रहे थे इतनी बड़ी नाक है, लड़का चीखे मारता हुआ भाग रहा है, आपने बड़े बड़े लैशेस लगा दिए, आपने बाल अजीब बना दिए। नहीं लेकिन जरूरी नहीं है, कई दफा अंदर से ज्यादा प्यारी शक्ल निकलती है, एक तरफ से तो हॉरिबल शक्ल बनी होती है, हाँ तो फिर वो अंदर से प्यारी शक्ल निकलती है, यू नो। ये जो हमारा छोटा सा टोट टोट बैठा हुआ है ना, हाँ तो वो केकी लुक और वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो ब्राइड्स को। और एक और अच्छा कॉन्सेप्ट ये भी है कि अच्छा, ये मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस चीज़ को कि हर दुल्हन मेहंदी पे तैयार हो रही है, बिकॉज इट्स हर फंक्शन ना। पहले जमाने में वो दुल्हन बेचारी पार्टिसिपेट ही नहीं करी, एक वो तेल में नुचड़ी भी बैठी हुई, बाकी सारी दुनिया प्यारी लग रही है। ज्यादा नहीं पार्टिसिपेट कर रही, आजकल दुल्हने ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही, इट्स देयर फंक्शन। व्हेन वी वर लिटिल अगर इस तरह शादी हो रही होती हमारे चपेट पड़ जाती थी, बैठ जा चुके। अब ये वाला वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं, अब दुल्हने जो है वो ज्यादा माशाल्लाह प्रोमिनेंट और एंजॉय कर रही होती है, तैयारी करके बैठी है, आपकी शादी नहीं हो रही असल में ड्रामे बाज वो, और एक दुल्हन नहीं लग रही होती, सब दुल्हने लग रही, सब मुझे खुले हुए बाल बिल्कुल नहीं पसंद दुल्हनों के। तो फिर आप मुझे, मैं आपको बताता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं, ये दुल्हनों की कजन सब लड़कियों ने बाल खोले होते हैं और दुल्हन भी उनमें मैच हो जाती है। जो आपके बने हुए बालों में जो आपकी ग्रेस नजर आती है, लगाए हो थोड़े फूल लगे हुए हो, आपका जूड़ा बंधा हुआ, आपके सर का शेप रॉयल लगता है, दुपट्टा अच्छा फिक्स होता है, अच्छा लगता है, सब चीजें प्यारी लगती है। आई डोंट लाइक खुले हुए बाल दुल्हन। और बात ये कि वैसे ही आउटडोर वेडिंग्स आजकल हो रही है, सारे बाल गले पे चिपक जाते हैं, अजीब सा हाल आपका हो जाता है। अच्छा, सो अब हमने क्या किया, सी हमने बेस लगा ली है, अब हम पाउडर लगाएंगे। बस यस, इतनी बेस इनफ है, बेस इनफ है ये फाउंडेशन। तुम तो इंसान से लग रही हो। ओके, ये NC35 है मैक की, सही है, मैंने ये किया और इसी के साथ में हल्का सा NC15, ये थोड़ा सा लाइटर टोन में पाउडर है। ये कैमरा, ये कैमरा ऐसे देखो, ये कैमरा, ठीक है, ये मैंने मिक्स किया और दोनों को मिक्स करके। अच्छा, जब आप फाउंडेशन लगाएंगे तो बहुत सॉफ्टली आपको ब्लेंड करना है, जैसे आपका हाथ हवा में चल रहा हो, लेकिन जब आप पाउडर लगाएंगे तो आपको टैप करना है ताकि प्रोडक्ट आपका ब्लॉक हो जाए, सील हो जाए। अब जब ऑयल पास होगा और टाइम गुजरता जाएगा तो ये ग्लो करने लगेगी स्किन, ये डल नहीं होगी। ओके, अच्छा यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, हमने ब्रेक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ब्रेक आज, ब्रेक नहीं होगा, इस शो को ऐसे चलने दें और घंटे निकाल दें इसमें। आज बहुत मजा आ रहा है, काफी टाइम बाद में टीवी पे आया हूँ और मुझे मजा आ रहा है सिखाने में, तो आज ब्रेक नहीं होगी। आपको जाने से जाए क्या करें, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां सेट पे हैं और एक थोड़ा सा खूबसूरत लड़का भी हमारे साथ है, वाजिद का, थोड़ा सा
अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है खूबसूरत बनाया, हाँ बाकियों को मैंने कहा वो तो आप तो हो ही खूबसूरत है, चुप कर। अच्छा ये बताए कि व्हाट आर वी डूइंग नाउ, बेस का तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा अब हम आई मेकअप करेंगे स्टार्ट। ओके आई मेकअप हम पहले सॉकेट लाइन क्रिएट करेंगे, अब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, सो अब हम पहले सॉकेट लाइन डिफाइन करेंगे। आप मेक श्योर करें कि बिल्कुल एक ड्राई ब्रश आपको लेना है और ये मैट फिनिश कलर, ठीक है, ये मैट फिनिश कलर है, आपने इस कलर को लिया और उसके बाद आपने सॉकेट लाइन कहते हैं इसको, इसको क्रीज कहते हैं, इसको डेप्थ कहते हैं, तो जितनी भी सॉकेट लाइन वाली जगह है उसके ऊपर आपको मैट फिनिश कलर लगाना है, आपको क्रीज पे मैट फिनिश कलर लगाना है ताकि आपकी एक आंखें एनहेंस हो। अगर यहाँ पे आप शिमर लगाएंगे तो मेकअप में डिजास्टर हो सकता है। मैं एक बात कहूँ, यहाँ पे मैं खुरम से माफी मांगूंगी, जो मेरे साथ मेरे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा यही करता है और उसने मुझे यही कहा कि मैंने वाजिद भाई की वीडियोस देखी है, वो यही बात कहते, वो कहते हैं कि शिमर नहीं लगाना। अच्छा मुझे ना वो झिलमिल पसंद है, मैं शिमर लगा देती हूँ मेरी आंख जी पुटंगी सी लगनी शुरू। और तो मैट मैट फिनिश आपने सी इस तरीके से एक लाइन क्रिएट कर ली, आप नॉर्मल रखा आपने डी शेप में आपने इस तरीके से एक लाइन क्रिएट करनी है और मेक श्योर और सॉफ्टली कलर को ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, ठीक है, इस तरीके से। और अगेन दूसरे ब्रश के साथ आपने उसको स्प्रेड करना है, दूसरे ब्रश के साथ आपने उसको इस तरीके से स्प्रेड करना है ताकि पता ना चले कलर कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। हल्का हो गया ये नहीं, मैं एकदम से कहने लगी थी वाजिद इतना डार्क है, सी इस तरीके से करके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने करना है आँख के नीचे भी इसी तरीके से यही कलर लेके लगाना है। पहले याद है वाजिद पहले एक लगाते थे फिर उसके ऊपर करते थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल चेंज हो गया। ऊपर देखो क्या हल्का सा आँख के नीचे इसी तरीके से फैला के आंखें आके आपकी खुली हुई लगे, सी। उसके बाद आपने क्या किया, सिंपल आपने ये हल्का सा गोल्ड शेड लिया। अच्छा आप ब्राइट गोल्ड भी ले सकते हैं, आप डल भी ले सकते हैं। अच्छा पहले जो मेकअप आ रहे होते थे हम गीला करके लगाते होते थे, तो अभी मैं इसको सूखा लगाऊंगा बिल्कुल ड्राई और उसके बाद हल्का सा मैं पानी के साथ उसको ब्लेंड करूंगा ताकि फिनिश आ जाए। ओके गाइस प्लीज, ये पूरी प्रोसेस करने का रीजन ही ये है कि वार्डरोब किस किस्म की आपने सेलेक्ट करनी है अपनी मेहंदी के लिए, शादी के इवेंट्स के लिए, दैट्स व्हाई आसफा नबील साहब हमारे साथ है, देन दैट्स व्हाई वी हैव वाजिद विद अस, वाजिद इज गोइंग टू बी विद अस ऑल थ्री डेज, आज कल और परसों, और वो एक्सप्लेन करेंगे डिस्क्राइब करेंगे। मुझे पता है कि हर बंदा बहुत महंगा मेकअप आर्टिस्ट नहीं अफोर्ड कर पाता अपनी, तो हमारा ये आई मेकअप गाइडेंस ले ले। बिल्कुल हमने आई मेकअप किया, मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, थोड़ा सा पानी बहुत सारे डिजाइनरों से भी आसफा जी मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हम दूसरों की चीजें देखकर छोटे गले पहनना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी ब्राइड्स होती है जिनकी गर्दनें नहीं होती, नहीं होती वो छोटे गले, मुझे लगता है अगर उनका आप लंबा गला बनाए ताकि उनकी गर्दन लंबी लगे, डेफिनेटली ऐसा ही ऊपर डाल ले, नहीं नहीं अच्छा ओके फिर वो वाला यूज कर ले, मैं अपना पी ले, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, गीले हाथ से हमने उसको हल्का सा पानी फिंगर टिप पे लिया और उधर मुंह कर ले जिधर मेकअप हो रहा है, मुझे देख के ही करी जा रही है तब से। ये बाय द वे निमरा इज माय बेबी, ठीक है, ये हो गया है तो रेनाउंड सिंगर, लेकिन शायद एंड में तुमसे गाना भी गवा ले, क्या ख्याल है, एंड में बिल्कुल एंड में। अब हम लाइनर लगाएंगे, नहीं अपनी मेहंदी पे नाचेंगे गाएंगे सब करेंगे। अच्छा ओके अब हम लाइनर ले, अच्छा मेक श्योर करें जब आप लाइनर लगाते हैं तो प्रोडक्ट आपका ज्यादा होना चाहिए, पानी थोड़ा कम होना चाहिए। क्राइलॉन का केक लाइनर है, मुझे लगता है कि इसकी ब्लेंडिंग सबसे बेस्ट होती इसका है, इसका स्मेल सबसे अच्छा होता है, दुनिया में कोई भी आ जाए आईलाइनर लेकिन ये बेस्ट है इसका, ये और इसका ब्राउन वाला भी बिल्कुल ओके। लैश लाइन के साथ आपने इस तरीके से करके लगाया और लैश को फॉलो करते हुए आप आगे लेके आ गए। By the way, वाजिद जान के सिर्फ एक आंख का भी आपको करके दिखा रहे हैं ताकि आप दोनों आईज में डिफरेंस देख सकें जब एंड में ये एक आई को कंप्लीट कर लेंगे तो। और अब आपने अपना आई को क्रिएट करना है, कितना लंबा लाइनर लगाना है और कितना ओके सी आपने लाइनर लगा लिया, उसके बाद आपने हल्का सा मस्कारे की एप्लीकेशन करनी है, ये देख
मतलब अभी ऑलरेडी एक मार्क्ड डिफरेंस है दोनों आईज में। आपने हल्का सा मस्कारा लगा लिया। ओके मस्कारा में इसलिए पहले लगा रहा हूँ, जब आप 3D आईलैशेस लगाते हैं तो मस्कारा आप पहले कर लें। ओके अच्छा ये हमारी आईलैश है 3D। अच्छा नो क्या बोलते हैं, जितनी भी महंगी आपकी आईलैशेस हो, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जी हमने 4000 की आईलैशेस खरीदी है, 3000 की खरीदी, तो हम काटेंगे नहीं। जब आप काटते नहीं है तो आपकी आंखें भेंगी लगना शुरू हो जाती हैं, आपकी आंखें टेढ़ी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके साइज से, आपकी आंखों के साइज से बड़ी होती है ये। तो मेक श्योर करें कि आपने ये आईलैश निकाला और आपने, लेकिन क्या लेनी चाहिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपए की? आई वांट योर ऑनेस्ट ओपिनियन। इट डिपेंड अगर आपको लगता है कि आईलैशेस की कितनी दफा आप यूज करोगे। देखिए इट डिपेंड, अगर आपको लगता है, लोग तो बहुत टाइम यूज करते हैं, अगर आपको लगता है आपको लेनी है आप ले। अगर पर्सनली आई डोंट लाइक 3D वाली, बट यहाँ पे लोगों को 3D आईलैशेस चाहिए। 3D आईलैशेस से क्या होता है, आपका मेकअप आसान हो गया है। आपने सिंगल आई शेडो लगाया, लैशेस लगाए, आपका मेकअप कंप्लीट हो गया। ओके हाँ, लेकिन आंख बहुत हैवी भी लगती है। मेरे जैसे बंदे की आंख ऐसी जो कर, ये देखिए आपने ये लिया और आपने मेक श्योर करना है कि आखिर के आपने ये दो काट दिए, तो ये आपके आंख के साइज की हो जाएगी। जिन्हें 10,000 दी लिती है उन्हें 2,000 रुपए थे उठे कट गए। यस, तो आपकी आंख के साइज की हो गई है। लेकिन अभी आप देखिएगा इसको लगाने का जो तरीका है, आपने लैश गम लिया, लैश गम लिया आपने इस तरीके से हाथ पे। अच्छा बाय द वे ब्लैक लैश गम अब मिलती है, प्लीज उसको इस्तेमाल किया करें। व्हाइट वाली जब लगा के फिर उसके ऊपर जो आपको लेपना पड़ता है वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल, आपने ये लैश गम लिया इस तरीके से आपने लगाया और कोशिश करें ये थोड़ी सी सूखने वाली हो जाए। जब ये सूखने वाली हो जाएगी तो और आप फूंकना हमारे इसके ऊपर, क्योंकि आप अपने जर्म ट्रांसफर कर रहे होते हैं बैक्टीरिया। यस, तो मेक श्योर करें कि आप इस तरीके से सुखाएं। इतनी देर में आप गाना गा लें। नहीं, दुल्हन से आप पूछ लें लव मैरिज अरेंज है, लव मैरिज क्या है क्या नहीं, आप बातें कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। हाँ खुश रखे, लव मिक्स अरेंज, लव मिक्स। देखेंगे आप खोले, सिर्फ ये लैश को हमने ये रखा। एक्चुअली तो हमारे साथ सिंगर हैं तो हम उनसे गाना भी गवा सकते हैं, लेकिन अब ये देखें लैश लगाने का तरीका। ये सी लैश लग गए, कोई नहीं कि आगे से निकल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये लग गए हल्की सी। बस ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो हम इसको टैप कर देंगे और लगाने के बाद एंड से उठा दें इस तरीके से ताकि नेचुरल लगे। सी यू आर राइट, सी 100%। अभी अगर अंदर से ना कट की होती तो अंदर वाला एरिया भी ड्रूप कर रहा था और वही जो आप बिल्कुल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो वाला इश्यू आ जाता। ठीक है ये हो गया। ओके अब हम करेंगे कंटूर, एक साइड में कर रहा हूँ, एक साइड में शायद ब्रेक में कर लूँ अगर टाइम नहीं होगा हमारे पास, अदरवाइज तो, वो भी हम दिखाएंगे। तो सिर्फ आधा मुंह कर सकते हैं। ओके हमने कंटूर करना है, टू फेस्ड, आधा ए फेस से आधा ओ फेस, टू फेस और टू फेस। बड़ी बहुत बड़ी मेकअप ब्रांड है, क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके डार्क ब्राउन कंटूरिंग का कलर शेड लिया हमने ये, उसके बाद हमने ये स्केल लिया। छह दफा इस लड़के ने तुम्हारे बाल बंद किए और हिल हिल के हिल हिल के इसने। अगर आपको फेस पतला करना है, अगर बहुत बड़ा गोल राउंड फेस है तो आपने एंगल बनाना है, ऑलवेज क्रिएट एंगल। आपने यू करना है तो आपका फेस पतला लगेगा, यू करेंगे तो चौड़ा लगेगा। अगर बहुत ज्यादा पतला है तो आपको कॉन्टोर नहीं करना, आपको सिर्फ हल्का सा पिंक शेडो लगाना है आगे चीक पे ताकि आपका फेस भरा हुआ लगे। ठीक है, तो आपने कान के सेंटर में से लिप के सेंटर में एक लाइन क्रिएट की लाइक दिस। ठीक है, और उसको आपने क्या किया, एक बड़े ब्रश के साथ ब्लेंडिंग। सी वाजिद लगा लगा के उतारी जा रहे हो, लगा लगा के ब्लेंड कर रहा हूं, ब्लेंड कर रहा हूं ना, लगा लगा के। सी आपने ये ब्लेंड करना है। ठीक है ठीक है, ऊपर देखिए, आई लाइक दिस सेंस। आपने इसको ब्लेंड करना है, इसके ऊपर आपने हल्का सा क्या करना है, उसके साथ आपने आप ढूंढे में ब्रेक में जा रहे हैं। नो 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 भाई, मिक्स कर दो, हो गया हो गया ये। ओके उस ब्राउन के साथ हल्का सा आपने क्या करना है, पिंक स्माइल सी, तो एक आपका कलर ऐड हो गया। ओके अब इधर फेस करो, आई वांट द व्यूअर्स टू सी। ये देखें हमारा ये साइड हो गई है और वो साइड अभी होनी है। डू यू सी द डिफरेंस? और यही तो डिफरेंस है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं और आपको
बताना चाहते हैं कि मेकअप इतना मुश्किल एंडेवर नहीं है, फ्यू मिनट्स के अंदर, 8-10 मिनट के अंदर हाफ द मेकअप इज ऑलरेडी